तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ एक बहुत ही अमेजिंग शॉर्ट टर्म एक आप लोग कंप्यूटर साइंस की इंटर्नशिप कर सकते हैं। अगर आप लोग इंटर्नशिप करने में इंटरेस्टेड हैं और इंटर्नशिप करके पैसे कमाने में इंटरेस्टेड हैं, तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप लोग को इंटर्नशिप करने का मौका मिल रहा है। ये बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगी, कौन कौन सी चीज़ें हैं, किस किस प्लेटफॉर्म पे काम करना है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज होंगी, सब कुछ आराम से डिटेल में बताने वाली हूँ। आप लोग ज़रूर पूरा वीडियो देखिए, तभी आप लोग को सब कुछ समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, बताते हैं गाइज। ये आर्यभट्ट की मेन वेबसाइट है, जिसमें आप देख सकते हैं इनके बहुत सारे अनाउंसमेंट चल रहे हैं, बहुत सारे सेमिनार्स चलते रहते हैं, और ये लोग अलग अलग जगह से लिंक्स भी करते हैं। उनकी प्रोफेशनल वेबसाइट है, आप इसको आके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ शॉर्ट टर्म कंप्यूटर साइंस की जो इंटर्नशिप है उसके बारे में बताने वाली हूँ। बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है आप लोग की तरफ से, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप लोग को ये मौका मिल रहा है, जिसमें अगर आप लोग पढ़ रहे हैं या आप लोग ने पास कर लिया है बीटेक या एमटेक, तो आप लोगों को इसमें इंटर्नशिप करने का काम मिलेगा। और बहुत सारी अमेजिंग ऐसी ऐसी यहाँ टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके बियॉन्ड पे आप लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँगी किस किस चीज़ पे आप लोग को एक्सपोजर यहाँ पे मिल सकता है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलेंगी आप लोग को। कोई भी इंस्टीट्यूट से आपने अगर बीटेक किया हुआ है या एमटेक किया हुआ है किसी भी बैकग्राउंड से साइंस की टेक्नोलॉजी में, तो आप लोग यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं, मैं आपको इसमें दिखाती हूँ आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर या डेटा मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम करने का मौका मिलेगा। एनालिटिकल स्किल्स का पे काम करने का मौका मिलेगा, आप लोग यहाँ के पढ़ सकते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग को सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, डिजांगो के ऊपर, इन सब के ऊपर काम करने का भी, और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो शॉर्ट टर्म के होते हैं उस पर भी काम करने का मौका मिलेगा। जो प्रोजेक्ट आप लोग को यहाँ पे मिलेंगे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे, बिग डेटा पे, मशीन लर्निंग पे, आईटी पे, डेटा सेंटर पे, आर्किटेक्चर सिस्टम पे, इस जो ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इन पे आप लोग को यहाँ पे प्रोजेक्ट मिलेंगे काम करने के लिए, जो कि बहुत ही बेस्ट है और इंडस्ट्री डिमांडेड है। अब मैं आप लोग को ये बताती हूँ कि आप लोग को जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं ये क्या क्या होनी चाहिए। तो जो लोग भी एलिजिबल हैं इसमें वो यूजी होने चाहिए या पीजी होने चाहिए, लेकिन यूजी तब होने चाहिए जब वो लोग 6 सेमेस्टर पास आउट हों किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, नॉर्मल इंस्टीट्यूट से भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं जो लोग अगर हायर स्टडीज़ के लिए या पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अगर अप्लाई अगर कर चुके हैं तो वो लोग भी इसमें कर सकते हैं। मास्टर डिग्री जो है एमटेक, एमएससी और एमएससी के लोग जो हैं वो भी इसमें काम कर सकते हैं, मतलब एमएससी, एमटेक और एमसीए के जो लोग हैं जो भी ये कर चुके हैं या कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं, वो लोग इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग की स्किल्स कौन कौन सी होनी चाहिए जिससे कि आप लोग को इसमें काम करने का मौका मिले और आप लोग ये इंटर्नशिप करके पैसे भी कमा सकते हैं। 10,000 तक के पैसे आप लोग को यहाँ पे मिलेंगे। अब मैं बताती हूँ गाइस आप लोग की स्किल्स जो हैं वो उसमें ये है कि आप लोग को लैंग्वेज में पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस और सी हैश आनी चाहिए। यूनिक्स और लिनक्स का जो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में थोड़ा बहुत आना चाहिए। कुछ अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेटा स्ट्रक्चर की होनी चाहिए, ऊप्स के कंसेप्ट की होनी चाहिए, डेटाबेस के बारे में होनी चाहिए। ये सब कुछ ज़्यादा कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि आप लोग को बीटेक में पढ़ाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पे ये सब रखी गई है, क्योंकि बीटेक के करियर में अगर आप आईटी फील्ड में हैं तो ये सब चीज़ें आप लोग को पढ़ाई ही जाती हैं। मैंने खुद बीटेक आईटी से किया हुआ है इसलिए मुझे पता है ये सब चीज़ें उसमें पढ़ाई जाती है। तो जिन लोगों ने भी बीटेक किया हुआ है आईटी या सीएस बैकग्राउंड से उनको ये सब चीज़ें आती हैं, उन्होंने पढ़ा हुआ है, तो आप लोग ज़रूर जाके इस इंटर्नशिप में प्रिपेयर करिए, जाइए करिए। अब मैं आपको बताती हूँ आप लोग को इंटर्नशिप का पीरियड कितना होगा, स्टाइपेंड क्या क्या मिलेगा, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। जो इंटर्नशिप का पीरियड होगा वो 20 वीक का होगा, मतलब 20 वीक्स का होगा, 6 मंथ से ज़्यादा का नहीं होगा। इंटर्नशिप कोई जॉब नहीं है या एश्योर नहीं कर रही है कोई जॉब के, लेकिन आप लोग को इंटर्नशिप करा रही है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ जो सिलेक्टेड जो इंटर्न्स होंगे उनको 10,000 हर महीने दिया जाएगा इफ़ नो एकोमोडेशन इज़ प्रोवाइडेड, अदरवाइज दे विल प्रोवाइड अ 5,000। मतलब कि अगर आप लोग को हॉस्टल दिया जाएगा तो आप लोग को 5,000 रुपये दिए जाएंगे हॉस्टल के साथ, अगर आप लोग को 10,000 रुपये दिए जाएंगे तो आप लोग को कोई भी हॉस्टल नहीं दिया जाएगा, आप लोग को अपने हिसाब से ही रहना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत और चीज़ें वो आप यहाँ पर आके पढ़ सकते हैं, बेसिक्स है वो मैं नहीं बताऊँगी इसमें, आराम से आप आके डिटेल से पढ़ लीजिए। जो मेन चीज़ें वो मैंने कवर कर दी है, बता दिया आप लोग को, तो आप लोग उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद गाइज मैं बता देती हूँ आप लोग को ऑनलाइन यहाँ पर अप्लाई करना है, अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बता दूँगी अभी। जो डेडलाइन है वो 31st ऑफ दिसंबर का है, अभी आप लोग के पास बहुत टाइम है,
तो आप लोग यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो इंटर्नशिप आपकी स्टार्ट होगी वो 1 फरवरी से होगी 2021, मतलब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगी आप लोग की। तो आप लोग के पास टाइम रहेगा आराम से। उसके बाद थोड़ा बहुत और बताया गया, आप लोग यहाँ आके पढ़ सकते हैं। जो सिलेक्शन का प्रोसीजर होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं गाइज। उसके बारे में ये है कि आप लोग को ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए यहाँ बताया जाएगा, जहाँ पे आप लोग को कम्युनिकेट किया जाएगा, आप लोग की स्किल्स को जज किया जाएगा, ठीक है। जब आप लोग की स्किल्स को जज किया जाएगा तो इंटरव्यू के प्रोसीजर के बाद ही आप लोग को इंटर्न्स के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक। इंटर्न्स जो होंगे वो इसमें लिखा हुआ है कि जो लोग इन दिस राउंड एटलीस्ट 4 इंटर्न्स बी सिलेक्टेड, हाउएवर दिस मे बी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव। आप लोग जितने लोग वहाँ पे भेजेंगे, जितने भी लोग भेज रहे हैं उसमें से कई लोग सिलेक्ट किए जाएंगे। बहुत लोग को सिलेक्ट करने की यहाँ पे चांसेस हैं, क्योंकि इन लोग के पास बहुत सारे प्रोसीजर्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें इस पर लोग काम करा सकते हैं। अब एक चीज़ मैं आप लोग को और बता दे रही हूँ कि जब आप लोग इसको ज्वाइन करेंगे तो इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के बाद आप लोग को अपना कुछ मार्कशीट जो है वो वहाँ पे देना होगा एज़ फॉर वेरिफिकेशन। तो ये भी ध्यान रखिएगा, आप लोग कुछ भी फेक मत दीजिएगा, सब कुछ वेरीफाइड से दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में इंटर्नशिप करने का आप लोग को मौका मिल रहा है। और क्या चाहिए अगर आप लोग कहीं पे इतने अच्छे इंस्टीट्यूट पे काम कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ आप लोग को अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप लोग क्लिक टू अप्लाई करना है। वहाँ पर अप्लाई करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे पहले अपना ईमेल वेरीफाई करा लेना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अपना ईमेल वेरीफाई करा लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे करना है कि कौन सी पोस्ट के लिए करें। तो आप लोग इंटर्न कर रहे हैं, इंटर्न के लिए करें, अपना नाम लिखिए, फादर्स नेम लिखिए, कुछ बेसिक चीज़ें उसको फिल करिएगा यहाँ पे। परमानेंट एड्रेस के बाद आप लोग को डिस्ट्रिक्ट वगैरह फिल करना है। उसके बाद लैंग्वेज नोन, ये करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे उसके बाद आप लोग को ये सब चीज़ें जब डिटेल आप फिल कर देंगे तो आप लोग का एजुकेशन डिटेल्स पूछ जाएगा। एजुकेशन डिटेल में आप लोग को अपना सब कुछ फिल करना है, जो भी आपने पढ़ा है, जहाँ जहाँ से पढ़ा है, स्कूल के बारे में, कॉलेज के बारे में। देन आप लोग का डिक्लेरेशन आएगा, डिक्लेरेशन में ये चीज़ आएगा कि आप लोग सारे चीज़ सेटिस्फाइड हैं, सारे रूल्स मानेंगे और कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आप लोग को डिस्क्वालीफाई कर दें। तो वो सब चीज़ें आएंगी। उसके बाद आप लोग को प्रीव्यू करना है और सबमिट कर देना। मैं इसको फिल नहीं कर रही हूँ बिकॉज मुझे नहीं करना है, मैं जॉब कर रही हूँ। तो मैं आप लोग को, अगर आपको इंटर्नशिप करना है तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद ये सब चीज़ें फिल करने के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपका यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो ये बहुत ही डिटेल और आराम सा प्रोसीजर था जिसके बियॉन्ड पे आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे काम करने के बाद आप लोग यहाँ इंटर्नशिप करने के बाद बहुत सी चीज़ें सीख पाएंगे। सीखने के साथ आप लोग के पास इसमें यहाँ काम करने का एक्सपीरियंस भी होगा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी चीज़ों के लिए। आप लोग को यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जितने भी लोग काम करेंगे आप लोग को यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आज का वीडियो मैं यहीं समअप कर रही हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आज इसलिए बताया आप लोगों को बिकॉज ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए काम करने के लिए इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में। ज़रूर जाके इस पर विजिट करिएगा, इस वेबसाइट पर एक बार ज़रूर देखिएगा, डिटेल में पढ़िएगा। नहीं समझ में आए तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा मुझसे जो चीज़ नहीं समझ में आए। तो गाइस वीडियो यहीं समअप करती हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल टेक डोर को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।